Class 7, let's start our 24th chapter, Cash Crops of India. First, you have to know about what is cash crop. Cash crops means होता है ऐसी फसलें जो बेचने के लिए उगाई जाती है, ना कि जो किसान जो है ना वो plants उगाता है अपने खाने के लिए नहीं, ना अपने use के लिए, सिर्फ sell करने के लिए जो जिनका व्यापार होता है. तो ऐसी फसलें कौन कौन सी हैं भारत में, आज हम अपने चैप्टर के ज़रिए पढ़ेंगे. यू हैव टू चूज़ द करेक्ट कैश क्रॉप्स ऑप्शन इन द ईच स्टेटमेंट ब्लो. ईच स्टेटमेंट में कैश क्रॉप्स के ऑप्शंस ये हैं आपको फाइंड आउट करने. ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट विद नंबर वन. शुगर केन हैज़ अ स्वीट जूस विच मेक्स अ रिफ्रेशिंग ड्रिंक. इट इज़ ग्रोन इन उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड अदर स्टेट ऑफ इंडिया. शुगर केन मतलब गन्ना, ये स्वीट जूस है जिससे रिफ्रेशिंग ड्रिंक भी बनती है और इससे चीनी भी बनती है, शुगर भी बनती है ना. और ये कर्नाटका, तमिलनाडु और दूसरे स्टेट में भी पाए जाते, पैदावार होती है इनकी. नंबर सेकंड इज़ कॉटन इज़ यूज्ड टू मेक द क्लोथिंग, होम लिनन एक्सेट्रा. इट इज़ ग्रोन इन द महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड अदर स्टेट ऑफ इंडिया. कॉटन जो है कहाँ, ये कपड़े बनाने के काम में लाई जाती है, होम लिनन में. और ये कहाँ कहाँ ग्रो होती है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और दूसरे स्टेट में भारत के, इसका भी व्यापार होता है. टी इज़ अ बेवरेज क्रॉप्स इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश. ये टी जो है ये ब्रिटिश लोगों ने इंट्रोड्यूस की थी. इट इज़ वाइडली ग्रोन इन आसाम. सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन कहाँ होता है, आसाम में एंड दार्जिलिंग, विच आर आल्सो वेराइटीज़ ऑफ दिस क्रॉप्स. यहाँ पर बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटीज़ हैं इस क्रॉप्स की, कहाँ पर, आसाम और दार्जिलिंग में. कॉफ़ी इज़ अ प्लांटेशन क्रॉप, प्रोड्यूस अ पॉपुलर बेवरेज. इट इज़ ग्रोन इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. ये भी प्लांटेशन क्रॉप है जिसको बोया जाता है. और ये इसकी जो है डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटीज़ कहाँ पर मिलती हैं, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में, वहीं पर इसका उत्पादन होता है. मस्टर्ड इज़ अ स्मॉल ऑयल सीड्स ग्रोन इन राजस्थान, आल्सो यूज एज स्पाइस व्हेन स्पाइस विद कुकिंग. ये मसाला है के तौर पर यूज़ होता है मस्टर्ड. ये सीड्स से, मस्टर्ड से ऑयल भी, मस्टर्ड सीड से ऑयल भी बनता है जो राजस्थान में पाया जा उगाया जाता है. सबसे ज़्यादा इसकी फसल राजस्थान में होती है. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. कोकोनट इज़ एन ऑयल सीड फ्रॉम ट्रीज दैट ग्रो इन द साउथर्न कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया. कोकोनट जो है नारियल, ये भी एक तरह का ऑयल सीड है, बीज है. इसका पेड़ होता है कहाँ पर, साउथर्न कोस्टल में जो भारत में है. और ये फल के रूप में भी, फ्रूट्स मेक अ रिफ्रेशिंग ड्रिंक व्हेन इट इज नॉट येट राइप. जब ये पकता नहीं है उससे पहले इसको रिफ्रेशिंग ड्रिंक के रूप में यूज़ होता है. जूट इज़ आल्सो यूज टू मेक द गनी बैग्स, ड्रॉप्स, मैट्स एक्सेट्रा. गनी बैग्स मीन्स होते हैं इस तरह के बैग्स यूज़ होते हैं जो भारत में होते हैं, कहाँ पर, वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, ओडिशा और मेघालय में. इनके बैग्स भी बनते हैं, रस्सियाँ भी बनती हैं जूट से, है ना, डिफरेंट बहुत सुंदर सुंदर हैंडीक्राफ्ट बैग भी बनते हैं. नंबर एट इज़ सनफ्लावर इज़ एन ऑयल सीड. ये एक ऑयल सीड है जिससे तेल निकाला जाता है. ग्रोन इन कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश. कहाँ पर इसकी पैदावार होती है, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में. और इसके सुंदर फूल होते हैं येलो कलर के, जो बहुत ही सुंदर लगते हैं. तो आज हमने पढ़ा कि कैश क्रॉप्स, जिनकी फसलें सिर्फ व्यापार करने के लिए भारत में उगाई जाती है. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स इन द वर्ल्ड. सबसे संसार में सबसे ज़्यादा ऑयल सीड्स, तेल निकालने वाले जो बीज हैं, यहाँ पर उत्पादन होते हैं. और अबाउट 20% ऑफ वर्ल्ड ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग एरिया जो है वो भारत में ही है. तो गाइस, आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा. इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी एंड कॉन्टैक्ट मी. ओके, थैंक यू.